हे एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल सुहू दो जानी। हाई माई नेम इज़ पीक्षा और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है माइक्रोवेव अनबॉक्सिंग। मैंने एक माइक्रोवेव परचेस किया है, चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने ओपन करके इसे अपने किचन में रख लिया क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है ओपन करना इसे और फिर वीडियो कैप्चर करना, सो मैंने इसे पहले ही निकाल के बाहर रख लिया है। और इसमें ये ग्लास वाली जो ट्रे है वो भी मैंने फिट कर दी है। इसमें आप देख सकते हो मेन्यू दिया हुआ है ऊपर, मैं अंदर से आपको दिखा देती हूँ। तो इसके साथ मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको इसके साथ मिलेगी रोटेटिंग रिंग, ये देखिए कुछ इस तरीके की होती है ये। उसके बाद आपको मिलेगा ग्लास ट्रे जो मैंने अभी अटैच कर दिया है माइक्रोवेव में। साथ ही मिलेगी आपको इंस्ट्रक्शन बुक और कुकिंग बुक, ये दोनों बहुत काम की चीज़ें। इंस्ट्रक्शन बुक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, इसमें एक नॉन वेज और एक वेज रेसिपी दी हुई है, आप देख के बना सकते हैं। इसमें सारे फंक्शन दिए हुए हैं इस बुक में। अगर आपके पास ये है तो स्टडी करके आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, आपको बहुत ईजी पड़ेगा, तो इसे ज़रूर एक बार रीड करिए। इसके बाद आपको मिलेंगी दो रैक, एक हाई और एक लो। तो ये जो छोटी वाली है ये लो रैक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। लो रैक का यूज़ हम माइक्रोवेव के लिए बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इसका यूज़ ग्रिल कन्वेक्शन के लिए किया जाता है। ग्रिल कॉम्बिनेशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं और कन्वेक्शन कॉम्बिनेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। सेम ऐसे ये हाई रैक है, हाई रैक का यूज़ भी हम माइक्रोवेव के लिए बिल्कुल भी नहीं करते, बाकी सारी चीज़ों के लिए ग्रिल और कन्वेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही मिलता है रोटिसरी बार, इसका यूज़ हम माइक्रोवेव में नहीं करते, ग्रिल और कन्वेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपको मिल रहा है यहाँ पे मिल्क जार, मिल्क गर्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें आप बॉयल नहीं कर सकते, सिर्फ गर्म कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जार दिया है, काफ़ी बड़ा है, यूज़फुल है, ये देखिए। इसका यूज़ सिर्फ माइक्रोवेव में होगा, बाकी किसी भी चीज़ में इसका यूज़ नहीं होगा। साथ ही साथ हमें मिलता है मल्टी कुक तवा, इसका यूज़ माइक्रोवेव में नहीं होता है, ग्रिल और कन्वेक्शन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये भी। सो ये रहे सारे जो भी हमें साथ में मिले थे किट, सारी मैंने आपको दिखा दी हैं, तो चलिए इसका डेमो देख लेते हैं। डायरेक्ट अगर आपको कुछ भी गर्म करना है, पकाना है, उबालना है, डायरेक्ट आप इस बटन को दबा देंगे 30 सेकंड के लिए चालू हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ गर्म करने के लिए। टाइम बढ़ाना, यहाँ से टाइम बढ़ेगा 10-10 सेकंड करके, कम करना है यहाँ से कम होगा 10-10 सेकंड करके। अगर नॉर्मल प्रेस करेंगे, अगर आपको ज़्यादा बढ़ाना है टाइम 30 का, उसका ये 60 हो जाएगा, 30-30 सेकंड करके यहाँ से बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक बार दबाएंगे स्टॉप होगा, थोड़ी आपने देख लिया हुआ नहीं हुआ, एक और बार दबाएंगे तो रीसेट हो जाएगा, दूसरा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल इसका माइक्रोवेव फंक्शन है जिसके अंदर कोई भी आप मेटल का बर्तन यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप यूज़ कर लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ख़राब हो जाएगा। फिर आता है दूसरा वाला, ये माइक्रो लिखा मतलब यही वाला फंक्शन है, ये ऑटोमेटिक दिया हुआ है, यहाँ से आपको बार बार सेट करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए यहीं के यहीं चालू हो जाता है। फिर आता है ग्रिल, ग्रिल के अंदर आपको कुछ भी रोस्ट वगैरह करना रहेगा उसके लिए रहेगा, ये ग्रिल का बटन दबाएंगे, ग्रिल के अंदर टेम्परेचर सेट करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट रहता है हीटर। यहाँ से आप इसको सेट करेंगे टाइम जो भी आपको सेट करना है, तो डायरेक्ट आप स्टार्ट कर देंगे, तो ये आपका ग्रिल चालू हुआ। ग्रिल करने के लिए आपको जो ये दो स्टैंड दिए हुए हैं, ये दोनों स्टैंड ग्रिल और कन्वेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो ये पनीर टिक्का वगैरह बनाने के लिए रहेगा, इसके अंदर आप लगा के आप इसको यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, ये ऐसे लग जाएगा यहाँ, ठीक है। और जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको यहाँ से ऐसे करके ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, ये निकालने के लिए, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद आता तीसरा फंक्शन होता है जो कन्वेक्शन का होता है, कन्वेक्शन के अंदर जो भी बेकरी का आइटम है आपका, बिस्किट वगैरह है, जो भी आपको बेक करना है वो सारी चीज़ें इस पर ही होगा। कन्वेक्शन का बटन दबाया आपने, 180 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है, रेसिपी बुक में दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको इसको सेट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसमें, तो इसलिए आपको यहाँ से जैसे 220-230 तक हाइएस्ट है, सबसे कम इसका 40 है, ठीक है। जो आपको रेसिपी बुक में दिया उसके हिसाब से आपने यहाँ से सेट कर लिया, सेट करने के बाद इसको प्रीहीट करना होता है, उसमें लिखा हुआ 190 डिग्री पे जाके आपको प्रीहीट करना है। तो एक बार आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे 0 आ गया, एक और बार आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो प्रीहीट लिखा आ रहा है, ठीक। ये भी प्रीहीट हो जाएगा कंप्लीट, तो ये एक बीप बजेगी और ये ब्लिंक होने लगेगा, फिर आपको इसका डोर खोलना है, कुछ भी बटन नहीं छेड़ना, डोर खोल के आपको जो भी आप बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, वो आपको रखना है, रख के आप डोर बंद करेंगे
और जो उन्होंने टाइम सेट करने का दिया है, आप यहाँ से डायरेक्ट सिर्फ टाइम सेट करेंगे। ठीक है, समझ गए। जैसे 2 मिनट दिया, 3 मिनट दिया और आप डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे तो आपका वो कंटिन्यू होगा वहाँ से। ठीक है, उसके बाद ये वाले जो फंक्शन है आपके मैनुअली हैं, ये सारे, ये वाले सारे ऑटोमेटिक फंक्शन है जिसके अंदर आप अपने हिसाब से इसके आप देख यहाँ से देखना पड़ेगा आपको ये मैनुअल जिसके अंदर इंडेक्स दिया हुआ है। PS1 आ रहा है दूध गर्म करने के लिए, PS1। हाँ ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसके अंदर रख के आपको बनाना है दूध गर्म। उसको क्या दूध गर्म तो मतलब उफनता नहीं है? नहीं उफनता नहीं है, ओनली 25 डिग्री पे गर्म होता है। अच्छा, ओनली आपने फ्रिज से निकाला और अगर आपको यूज करना है तो उसके हिसाब से। उबालने के लिए नहीं? उबालने के लिए नहीं है, उबालने के लिए ये यूज नहीं होगा। ठीक है, डी डी ये आ रहा है, डी डी ठीक है। ये थे हमारे डेमो वाले भैया। इसके बाद आपको जो कर्ड वो बता रहे थे, आपको एक बाउल में मिल्क लेना है, साथ में एक चम्मच आपको उसमें ऐड करना है कर्ड और आप माइक्रोवेव में रख देंगे CU1 पे सेट करके। स्टार्ट करना है आपको और आपका कर्ड रेडी हो जाएगा। जो भी आपको चीज़ें बनानी है आप मेन्यू में देख के बना सकते हैं। ये मैंने जस्ट बिग बिलियन डेज में ऑर्डर किया है और काफ़ी अच्छे रेट में मुझे ये मिल गया है। इसका प्राइस मैं आपको मेंशन कर दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।